लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी कांग्रेस पार्टी ने बिहार में 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज कर दिया। कांग्रेस की ओर से जारी लिस्ट में परिवारवाद की झलक भी साफ साफ दिखाई दी, जिसमें कुछ बड़े नेताओं के परिजनों को भी टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने बिहार की 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। महाराजगंज सीट से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश चुनाव लड़ेंगे। वहीं पटना साहिब से लोकसभा क्षेत्र से मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को टिकट दिया गया है। वहीं बेतिया से मदन मोहन तिवारी, समस्तीपुर सीट से बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी, सासाराम से विश्वनाथ राम और मुजफ्फरपुर से अजय निषाद के नाम पर मुहर लगी है। 6 नामों में से 3 नाम ऐसे भी हैं जो बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। सबसे पहले इन नामों में जो बड़ा नाम है वो लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत शामिल है। समस्तीपुर से बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी और महाराजगंज सीट से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह का नाम शामिल है। आपको बता दें, इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ रही है, जिसमें उसके साथ आरजेडी समेत लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी को इसमें बस 9 सीटें ही मिली हैं। कांग्रेस के लिए चुनाव इसलिए कठिन माना जा रहा है क्योंकि पार्टी का 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन शून्य रहा था। कांग्रेस को महज किशनगंज सीट पर सफलता मिल पाई थी। अब देखना यह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बिहार में कितनी सीटें मिल पाती हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए वीसी खबर। नमस्कार।